तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और आप देख रहे हैं निशेन इंटेक चैनल को। दोस्तों आज आपसे मेरी एक विनती है और सबसे पहली बात की है कि ये वीडियो एक भी रुपया नहीं कमाएगी एड्स लगाकर, ये बिल्कुल भी फ्री होने वाली है, एड्स फ्री होने वाली है, ताकि आप लोग को बिल्कुल भी ये ना लगे कि ये वीडियो मैंने पैसे कमाने के लगाया, क्योंकि ये वीडियो मैं आज अपने देश अपने भारत के लिए बना रहा हूँ और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप हाल ही में न्यूज देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि गलवान वैली में क्या हो रहा है, किस तरह चाइनीज जो आर्मी थी उन्होंने किस तरह हम लोग के साथ धोखा किया और हमारे 20 से भी ज्यादा जो जवान थे वो शहीद हो गए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर भी चाइना के ऊपर कितने सारे एलिगेशन लगे हुए हैं कि उन्होंने जानबूझ के फैलाया, हालांकि ये बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बार को हम ये बात मान लेते हैं कि उसे ऐसा बायो वेपन यूज किया गया। और तीसरी बात, आपको ये बात पता है कि हम 54 से भी ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडिया में यूज कर रहे हैं, जिससे करोड़ों और अरबों का बिजनेस जो है चाइना इंडिया से कमा रहा है सिर्फ एप्लीकेशंस के थ्रू, और कहीं ना कहीं हम चाइना को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें यहां पर उनके चीजों को बॉयकॉट करने से लेकर, तो यार वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि उसमें इंडिया के भी अरबों रुपए फंसे हुए हैं, आई थिंक उसको बहुत समय लगने वाला है और इस चीज को पूरा करने में। लेकिन हम एप्लीकेशंस को तो बॉयकॉट कर सकते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आप लोगों के लिए आती है यार कि हम अगर मान लो चाइनीज एप्लीकेशन को बॉयकॉट कर देते हैं तो उनका कौन सा रिप्लेसमेंट हम यूज करें, उनका कौन सा अल्टरनेटिव हम यूज करें, या उसके अलावा हम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यार अगर आपके मन में थोड़ी सी भी देशभक्ति और आपको लगता है कि आपको चाइनीज एप्लीकेशन को क्विट करना है, बॉयकॉट करना है, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। लेकिन मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ किया, इसके बदले में आपसे सिर्फ एक चाहता हूं, वो ये कि आप कसम खाइए कि इस वीडियो को आप हर एक बंदे तक पहुंचाएंगे, भले वो फेसबुक से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से शेयर कीजिए, या जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जान पाए कि अगर हमें चाइनीज एप्लीकेशन को हटाना है तो उसके बदले में हम कौन सी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आप टॉप 10 एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे जो कि हम सबसे ज्यादा इंडिया में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना को देती है, और उसके बदले में उसके 10 रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा और हाथ जोड़ के विनती कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए, और साथ ही साथ अगर मेरी कोशिश थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे तो ठीक है बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि ऐसे ही और अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तो ज्यादा देर करते हुए लेट्स डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। सबसे पहली एप्लीकेशन है जो चाइना के हम 10th नंबर पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है यू वीडियोस, और ये एक स्टेटस क्रिएटिंग एप्लीकेशन, यानी कि आप इसमें बहुत अच्छे स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आप लिरिक्स वाले स्टेटस देखते हैं, तो इस टाइप की एप्लीकेशन से काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, अपने स्टेटस को लगाने में। तो ये भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है, और इसका जो रिप्लेसमेंट मैं वो लेकर आया हूँ वो है एमवी मास्टर। ये एक इंडियन एप्लीकेशन है, बहुत जानते हुए गर्व होता है कि एक इंडियन एप्लीकेशन है। अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो ऑब्वियसली आप एक योगदान कर रहे हो, जो भी रेवेन्यू ये एप्लीकेशन कमाएगा वो एक इंडियन व्यक्ति के पास आएगा जिसने भी इसे बनाया, बट इससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलने वाली है। तो अगर आप यू वीडियोस एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप बिल्कुल उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसकी जगह पे आप एमवी मास्टर का भी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहली एप्लीकेशन थी, और चिंता मत कीजिए, एप्लीकेशन ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, बस आपको उस लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरे एप्लीकेशन में मैंने लिया है ब्यूटी प्लस, और ये ब्यूटी प्लस एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन मैं कहूंगा, क्योंकि अगर आपका कोई फोन अच्छा नहीं है, उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, कि आपकी फोटो नहीं खींच पाता है, या फिर आपने उस टाइम पे मेकअप नहीं किया खासकर लड़कियों के लिए, तो ब्यूटी प्लस एक ऐसा कैमरा जो कि काफी अच्छे फिल्टर्स के साथ आता है और एक आप अच्छी कैमरा से एक अच्छी फोटो खींच सकते हो। लेकिन फिर वही बात आती है, एक चाइनीज एप्लीकेशन और हमें इसे भी बॉयकॉट करना है किसी ना किसी तरीके से, तो हम ऐसी कौन सी एप्लीकेशन यूज करें जिससे कि चाइना को मदद ना मिले। तो यहाँ पे मैं लेके आया B6112। आपने इस एप्लीकेशन को कई लोग हो सकता है यूज करते भी हों, जो लोग नहीं यूज करते तो वो लोग जान जाएंगे कि B6112 एक ऐसा एप्लीकेशन है जो भी एक बिल्कुल ब्यूटी प्लस जैसा, उसमें भी बहुत सारे कमाल के फिल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि वो उससे अच्छा ही है। हालांकि एक इंडियन एप्लीकेशन नहीं, एक नीदरलैंड की एप्लीकेशन है, नीदरलैंड के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया है, तो जो भी पैसा है हालांकि नीदरलैंड को जाएगा, लेकिन इससे जो हमें चाइनीज एप्लीकेशन को बॉयकॉट करना है उससे हमें मदद मिलेगी, और
एक अच्छी एप्लीकेशन आपको अपने फोन में मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप ब्यूटी प्लस को इंस्टॉल करके बैठे तो आप बिल्कुल आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप B6 112 को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर B6 को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे कैमरा से या कैमरा से फोटोज खरीद सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। तो ये थी हमारी दूसरी एप्लीकेशन, चलिए बढ़ते हैं तीसरी एप्लीकेशन की ओर। तीसरी एप्लीकेशन की बात करें जिसे मैंने 7 नंबर पे रखा है नीचे से, तो यहाँ पर हम लेंगे कैम स्कैनर। कैम स्कैनर बिल्कुल एक अच्छा एप्लीकेशन है। इसके कैम स्कैनर जिन लोगों को नहीं पता वो क्या है, तो कैम स्कैनर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर पे स्कैनर नहीं है तो आप फोटो खींच के कैम स्कैनर अपनी AI की मदद से उसे डॉक्यूमेंट में बदलता है, सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है ताकि आप उसे अपने ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिस यूज के लिए यूज कर पाए। तो ये भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है, इसे भी हमें बॉयकॉट करना होगा, इसलिए हमें इंस्टॉल करना होगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन US में काफी यूज की जाती है, ये जो एप्लीकेशन है वो भी US की और इसका नाम है ऑफिस लेंस। ये बिल्कुल कैम स्कैनर की तरह काम करता है बल्कि उससे अच्छा काम करता है, इसमें शेयरिंग के ऑप्शंस भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर ऑफिस लेंस आप यूज करते हो, ऑफिशियल काम ज्यादा करते हो, स्कैनिंग आपको करनी पड़ती है ऑन द गो, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो ऑफिस लेंस आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं और साथ ही साथ आप इसमें डायरेक्टली डॉक्यूमेंट की फोटो खींच के उसे क्रॉप करके भी स्कैन कर सकते हो, तो काफी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लिंक आपको ऑफिस लेंस का मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी एप्लीकेशन की ओर। चौथी एप्लीकेशंस जो मैं लेकर आया हूँ वो है शेयरइट और जेंडर। दोनों ही एप्लीकेशंस के आई एम श्योर आपने नाम सुने होंगे और आपके फोन में अभी भी वो एप्लीकेशंस होंगे, शेयरइट और जेंडर। दोनों ही फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे अगर आप कोई चाइनीज फोन देखेंगे उसमें भी प्री इंस्टॉल शेयरइट आता है, कई सारे एंड्रॉइड फोन में आपको मिल जाएगा। तो इससे नॉर्मली होता है क्या जिन्हें नहीं पता, तो आप एक फोन से दूसरे फोन में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं भले वो कितनी भी बड़ी फाइल हो और कैसी भी फाइल हो। तो यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है मैं बता दूं, जो इसका ऑल्टरनेटिव मैं लेकर वो एक इंडियन ऐप है और उसका नाम है शेयर ऑल। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंडियन की इकोनॉमी में आप योगदान कर रहे हैं और एक आप इंडियन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और चाइनीज एप्लीकेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं। शेयर ऑल भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप सारे टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को शेयर कर पाएंगे, तो ये भी काफी कमाल की बात निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात एक इंडियन एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवी एप्लीकेशन की ओर। पांचवा एप्लीकेशन की बात करें तो पांचवा एप्लीकेशन जो निकल कर आता है वो हेलो है। आई होप आपने काफी सारे लोगों ने हेलो को यूज किया होगा या हेलो यूज करते हैं उसके बारे में सुना होगा। हेलो एक सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें भी आप फोटोज, वीडियो, स्टेटस और काफी सारे पोस्ट शेयर कर सकते हैं। उसमें भी आपको इंसाइट वगैरह मिल जाती है, काफी प्रोफेशनल लगता है देखने में। तो ये भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है जिसे भी हमें बॉयकॉट करना है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन वर्जन जो आता है वो है शेयर चैट। शेयर चैट एक इंडियन एप्लीकेशन है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कहते हुए। शेयर चैट के भी काफी ज्यादा मिलियंस में डाउनलोड हैं और आप इसे यूज कर सकते हो और काफी सारे लोग पहले से शेयर चैट को यूज करते होंगे। बस मेरा ये कहना ये कि अगर आप हेलो एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उसे आपको बॉयकॉट करना है चाइनीज एप्लीकेशन को, तो ऑब्वियसली आप उसकी जगह पर शेयर चैट को यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म है। उस पर भी आप फोटोज वीडियो शेयर यूज कर सकते हैं, उस पर भी आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, उस पर भी आप एक इन्फ्लुएंसर का काम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप हेलो पे है अपनी ऑडियंस को ले जाइए शेयर चैट पे और हेलो को कीजिए अनइंस्टॉल। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं छठी एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन की बात करें तो काफी लंबे समय से हम इस एप्लीकेशन को यूज करते आ रहे हैं और इसका नाम हमेशा की तरह आपने सुना होगा, वो है UC ब्राउजर। मैं जानता हूँ कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों के फोन में ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोडेड होगी और वो इसे यूज भी कर रहे होंगे। उसका नाम है UC ब्राउजर और ये ब्राउजिंग एप्लीकेशन है, बिल्कुल एक चाइनीज एप्लीकेशन है। इसमें भी आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, VPN वगैरह मिल जाता है और इसमें आपको UC न्यूज भी मिल जाती है। लेकिन एज ए चाइनीज एप्लीकेशन है ऑब्वियसली हमें इसे अनइंस्टॉल करना होगा। और इसका जो बॉयकॉट है वो कैसे करें, वो है एक अनदर अल्टरनेटिव, वो है जियो ब्राउजर। ऑब्वियसली जियो के सिम्स आप यूज करते हो, जियो के फोन भी लोग कई लोग यूज करते हैं और जियो जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुकेश भाई अंबानी की है और ये एक इंडियन ऐप है, तो ऑब्वियसली हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी काफी कमाल की एप्लीकेशन है, काफी सिक्योर्ड है और जियो ब्राउजर खुद में काफी कमाल की चीज है। इसमें भी UC न्यूज की तरह आपको जियो न्यूज का सपोर्ट मिल जाता है और काफी सारे अन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक जियो ब्राउजर यूज नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और UC ब्राउजर को इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सातवें एप्लीकेशन की ओर।
एप्लीकेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो मैं लेके आया Zoom, और Zoom जो है आजकल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ये एक ऑफिशियल ऐप है, यानी कि ऑफिस वाले टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसे। अगर जिनको नहीं पता कि ये Zoom क्या है, तो Zoom एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मीटिंग्स कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, क्योंकि आजकल वर्क फॉर होम चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आप सब घर पे हैं, और काफी ज्यादा जो ऑफिस है वो इन एप्लीकेशन का यूज कर रही है मीटिंग्स के लिए ऑनलाइन, क्योंकि इसमें काफी सारे मल्टीपल लोग जुड़ सकते हैं और एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये भी एक चाइनीज एप्लीकेशन है, और लॉकडाउन के दौरान चाइना ने काफी ज्यादा रेवेन्यू कमाया है Zoom को लेकर, तो यहां पर हमें इसे बॉयकॉट करना होगा, इसे अनइंस्टॉल करना होगा। और इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसको इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं Cisco WebEx, और ये भी एक US बेस्ड अमेरिका का जो है एप्लीकेशन है, और काफी अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें भी आप सारे फीचर्स वो पाओगे Zoom के, यानी कि Zoom से अच्छे भी पाओगे, और मल्टीपल लोग इसमें जुड़ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हो। तो अगर आप Zoom यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें जानाइए कि उनके पास भी Cisco WebEx करके एक एप्लीकेशन है जो कि US बेस्ड है, और उसे आप यूज कर सकते हैं, और चाइना जैसे एप्लीकेशंस को बॉयकॉट करने में काफी मदद करेगा हमें। तो चलिए बढ़ते हैं आठवें एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो है क्लब फैक्ट्री। क्लब फैक्ट्री ये बिल्कुल चाइना चाइनीज बेस्ड ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और इसके आई एम डैम श्योर कि आपने ऐड देखे होंगे टिकटॉक पर। अगर आप एक टिकटॉक यूजर हैं और आप टिकटॉक यूज करते हैं, भले आप उस पर वीडियोस बनाते हो या फिर मनोरंजन के यूज करते हो, आपने उस पर क्लब फैक्ट्री के ऐड देखे होंगे। और वो क्लब फैक्ट्री के ऐड सिर्फ आप टिकटॉक पे क्यों देखते हैं, क्योंकि टिकटॉक खुद में एक चाइनीज एप्लीकेशन है, इसलिए चाइना पे क्लब फैक्ट्री के ऐड भी उसी में चलाता है। तो मैं बता दूं, अगर आप क्लब फैक्ट्री से, पहली बात तो मैंने सिर्फ एक बार गलती से शॉपिंग करी तो YR प्रोडक्ट आए थे, और अगर आप यूज करते हैं तो बिल उसकी जगह आप इंडियन अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम Flipkart है। Flipkart एक इंडियन अल्टरनेटिव है, उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम Amazon को भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक US बेस्ड है, और भी कई सारी साइट्स हैं जो कि एटलीस्ट चाइनीज तो नहीं है। तो अगर आप क्लब फैक्ट्री की एप्लीकेशन रखते हैं और साथ ही साथ उस पे से शॉपिंग करते हैं, तो प्लीज बंद कर दीजिए, आप उसकी जगह काफी सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, भले वो Myntra हो, Jabong हो, या फिर और कोई क्यों ना हो। तो यहां पर ये हो गया क्लब फैक्ट्री की बात, चलिए बढ़ते हैं नाइन्थ एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन की बात करें जिसके खिलाफ तो मैं शुरू से रहा हूँ, वो है पबजी, और खिलाफ रहने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ यही था, क्योंकि पबजी खेलने कोई बुरी बात नहीं है, पर उसे एक्सेसिव खेलने की वजह से, ज्यादा सीरियस लेने की वजह से कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं पहले ही, और कई सारे रिसर्चर्स का कहना है कि पबजी जो बहुत बुरा असर डालता है बच्चों के दिमाग पर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है आपका दिमाग कमजोर हो जाता है, और साथ ही साथ कई लोग इसके चक्कर में मर भी रहे हैं। तो हमें पहली बात तो पबजी एक वैसे ही बुरा गेम है, लेकिन कोई बुरा नहीं अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो, अगर आप एक घंटा खेलते हो नॉट अ बैड थिंग। लेकिन हम यहां क्या करें, अगर ये चाइनीज एप्लीकेशन है और इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, तो यहां पे अगर हम बात करें इसके अल्टरनेटिव की, तो आप बिल्कुल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल सकते हो। और मैं बता दूं कि जो अगर आप ढंग से इसका रिव्यू पढ़े तो आपको पता चलेगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो है वो पबजी से लाख बेटर है, उसके ग्राफिक्स लाख बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस लाख बेटर है, और साथ ही साथ उसमें आपको रियली जो आर्मी की फील है वो आएगी, ना कि पबजी में। तो अगर आप एक पबजी यूजर है और आपको जरा सा भी मन लगता है कि मैं इस गेम को छोड़ सकता हूं और इसके बदले में मैं COD मोबाइल पे आ सकता हूं, तो बिल्कुल आइए। COD मोबाइल एक US बेस्ड एप्लीकेशन है, ये भी अमेरिका की बनाई हुई है, और Activision जो है इसका मेन प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे यूज कीजिए, और अगर आप हो सके तो PUBG को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक चाइनीज एप्लीकेशन है और हमें चाइनीज एप्लीकेशन का बॉयकॉट करना ही करना है। तो ये थी हमारी 9th एप्लीकेशन, चलिए बात करते हैं टॉप 1 और 10th एप्लीकेशन की हमारी, जो कि है TikTok। TikTok और Likee दोनों ही चाइनीज एप्लीकेशन है, और इंडिया में दोनों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा टीनेजर्स जो है वो Likee और TikTok को यूज कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे तो वैसे भी आप सुन रहे होंगे काफी सारी न्यूज़ेस, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि TikTok जो है बैन हो जाए इंडिया से, काफी सारी न्यूज़ेस भी आ रही है कि आने वाले टाइम पे इसको बैन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा ये कुछ नहीं पता। लेकिन हमें वो स्टेप पहले लेना होगा कि इसको बैन किया जाए, कैसे इसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब आप कहेंगे यार हिमांशु टिकटॉक तो हमारा बहुत जरूरी जरिया एंटरटेनमेंट का, हम भले वीडियोस नहीं बनाते पर उससे हम एंटरटेनमेंट तो जरूर करते हैं। मैं बता दूं कि एक इंडियन एप्लीकेशन है जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह काम करती है, बिल्कुल टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म है, और उसको आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, जिसका नाम है VMate। VMate वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड इंडियन एप्लीकेशन है एंटरटेनमेंट पर्पस में, और इसमें भी आप सारी टिकटॉक जैसी चीजें कर पाएंगे, यानी कि शॉर्ट वीडियोस बना पाएंगे, उसको शेयर कर पाएंगे, स्टेटस बना पाएंगे, शेयर कर फैन फॉलोइंग को बढ़ा पाएंगे, खुद इन्फ्लुएंसर जैसा बन पाएंगे। तो वहां
भी वीमेट एक इंडियन एप्लीकेशन है और अगर आप उसे सपोर्ट करती हो तो आने वाले टाइम पर वो और बड़ी एप्लीकेशन बन सकती है, उसमें आपको और अच्छे फीचर्स देख सकते हैं, उसमें भी आपको ब्रांड आते हुए मिल सकते हैं। तो अगर आप टिकटॉक को बैन करना चाहते हो और मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया पर उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ रिप्लेसमेंट देता हूँ। और टिकटॉक और लाइक का जो रिप्लेसमेंट है वो है वीमेट। वीमेट एक इंडियन एप्लीकेशन है जो काफी कमाल की बात है, प्राउड होना चाहिए हमें, वीमेट हमारे पास है और आप उसे यूज कीजिए। और मैं बता दूं चाइना हमारी कोई भी एप्लीकेशंस को यूज नहीं करते, यहां तक कि वो यूएस बेस्ड यानी कि चाइना के बाहर की जो भी एप्लीकेशंस है या यानी यहां तक कि वो खुद गूगल भी नहीं यूज करते, वो यूट्यूब भी नहीं यूज करते, वो व्हाट्सएप भी नहीं यूज करते, उनके पास व्हाट्सएप की जगह वीचैट है और पता नहीं क्या क्या उनके पास है, वो कुछ भी बाहर यूज नहीं करते क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को पावर देनी है ना कि बाहर को। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव इंडिया नहीं तो मैंने आपको यूएस बेस्ड भी दे दी, अमेरिका की भी दे दी, नीदरलैंड की भी ऑप्शन दे दिए ताकि आप चाइना को तो एटलीस्ट बॉयकॉट कर पाओ। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना तो मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक सबसे कोशिश करूंगा पहुंचा पाऊं। जैसा मैंने बताया ये मोनेटाइजेशन फ्री वीडियो, ऐड फ्री से मैं भी एक रुपया नहीं कमाने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए लोगों तक, अपने आसपास व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां से आप इसे शेयर कर पाए, और लोगों तक पहुंचाइए कि टिकटॉक एप्लीकेशन को कैसे वो इंस्टॉल कर सकते हैं और करने के बाद उसे कौन सी रिप्लेसमेंट उनके पास अवेलेबल है। तो सतर्क रहिए और बॉयकॉट कीजिए चाइनीज एप्लीकेशन को और अपने ऊपर प्राउड कीजिए आप भारतीय हैं और भारत को सपोर्ट कीजिए उसके इकोनॉमी में। तो आज तक सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। बाय बाय, वंदे मातरम।